पाकिस्तान का सीमा पर सीज फायर उल्लंघन जारी है, सरहद के गांव में भारी तबाही। हारिसपुरा के गांव में लगातार मोर्टार शेलिंग, ध्वस्त हो गई घरों की दीवारें। गोलीबारी से लगी आग में पूरा गांव खाक, घर में बाकी नहीं बचा कोई भी सामान। सरहद पर 5 किलोमीटर तक के स्कूलों को किया गया बंद, गांव छोड़ने के लिए मजबूर हुए लोग। गांव के लोगों को निकालने का काम जारी, राहत कैंपों का भी इंतजाम। सरहद के गांव में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जारी, खेतों में लगी आग। रिहायशी इलाकों में लगातार गोले बरसा रहा है पाकिस्तान, हारिसपुरा के इलाके में दहशत। जम्मू के हीरानगर, पंसार, मनियारी और चांद लाल दीन इलाके में जबरदस्त फायरिंग, बीएसएफ की तरफ से मुंहतोड़ जवाब। हरनिया में हुई फायरिंग में जख्मी दर्शनों देवी नाम की महिला की मौत, आज भी एक शख्स को लगी गोली। अखनूर में पाक फायरिंग की शिकार 8 महीने का बच्चा, गोलीबारी में जख्मी होने से मौत। पाक फायरिंग पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का जवाब, बीएसएफ नहीं करती तो पहले फायरिंग, लेकिन कैसे देना है जवाब जानते हैं जवान। पहली गोली तो पड़ोसी पर नहीं चलनी चाहिए, लेकिन उधर से चल जाती है तो क्या करना, इसका फैसला आपको करना। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की तरफ से जो आंख उठाकर देखेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों ने तैयार किया दहशतगर्दी का नया प्लान, सांबा कठुआ हाईवे पर करना चाहते हैं आईडी ब्लास्ट। आतंकी योजना की खुफिया सूचना के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को किया गया हाई अलर्ट। तमिलनाडु के तूतीकोरन में स्टरलाइट तांबे की फैक्ट्री पर बड़ा बवाल, सड़क पर निकले लोग काले झंडे और पोस्टर के साथ, लोगों का प्रदर्शन, पुलिस के साथ हिंसक झड़प, एक शख्स की मौत। स्टरलाइट तांबे की फैक्ट्री की वजह हवा और पानी में प्रदूषण, धारा 144 के बावजूद हजारों लोग आए विरोध जताने। उपचुनाव से पहले शामली की सियासत गरमाई, किसान उतरे सड़कों पर। गन्ने की बैलगाड़ियों के साथ किसानों का प्रदर्शन, जिन्ना नहीं यहां गन्ना चलेगा किनारे। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर बड़ी सियासत, आगरा में एसपी कार्यकर्ताओं का विरोध। वाराणसी में पेट्रोल डीजल के बड़े दाम से नाराज, एसपी का अनूठा प्रदर्शन, बाइक का किया पिंडदान। अलवर में पानी के लिए महिलाओं का हल्ला, बोल अधिकारियों को जलती धूप में किया गया खड़ा। गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में आई आम आदमी पार्टी, पूरे शहर में गंदगी। होशंगाबाद में किसानों की गांधीगिरी, 10 दिन की हड़ताल का ऐलान, फल दूध की सप्लाई रुकी। कर्नाटक में शपथ ग्रहण से ठीक पहले सियासी सरगर्मियां तेज, कांग्रेस और जेडीएस में मंत्रिमंडल पर मंथन जारी। बैंगलोर के होटल हिल्टन में कांग्रेस विधायकों की बैठक, स्पीकर पद के लिए 8 बार के विधायक आरवी देशपांडे का नाम आ गया। वीरशैव लिंगायत युवा ब्रिगेड की मांग, येदुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस और जेडीएस से बगावत करने की अपील। जॉइंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आवाज, एक मुस्लिम समुदाय के विधायक को बनाया जाए कर्नाटक का उपमुख्यमंत्री। शपथ से पहले आज कुमार स्वामी ने लिया भगवान का आशीर्वाद, मंजूनाथ मंदिर में पूजा की। दिल्ली के आर्कबिशप की चिट्ठी पर सियासी बवाल, 2019 के लिए ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों को हर शुक्रवार व्रत करने की अपील। चिट्ठी में बिशप ने लिखा, संविधान में के लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की धर्मनिरपेक्ष छवि पर संकट, देश के लिए करें प्रार्थना। आर्क बिशप की चिट्ठी पर राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया, देश में सुरक्षित है अल्पसंख्यक, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं। बिशप की अपील पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा, ऐसा ना हो कि देश में हर आदमी को करना पड़े भजन कीर्तन। विवाद पर आर्क बिशप की सफाई, हमारी आबादी 2% है, हम बदलाव नहीं कर सकते, हमारी प्रार्थना हर समाज के साथ है। कैराना उपचुनाव के लिए सीएम योगी की रैली, मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर अखिलेश यादव पर सादा विचार। वृंदावन में खुला पासपोर्ट सेवा केंद्र, सांसद हेमा मालिनी ने किया उद्घाटन। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ, रेलवे टेंडर घोटाले को लेकर सवाल। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में फंस गई विजय गोयल की कार, दुकानदारों ने किया घेराव। जम्मू
महबूबा पुलिस ने बीजेपी विधायक लाल सिंह के भाई के खिलाफ दर्ज किया FIR। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ रैली में आपत्तिजनक नारे लगाने का आरोप। एक दिन पहले 20 मई का बताया जा रहा है वीडियो, भाई का नाम है राजेंद्र सिंह उर्फ बाबी। सीएम महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट पर लिखा, ऐसी नारेबाजी कठुआ रेप केस की घटना के पीछे की मानसिकता की पहचान। पीडीपी ने लाल सिंह की नारेबाजी पर जताया कड़ा विरोध, कड़ी कार्रवाई की मांग। एनपीपी नेता हर्ष देव सिंह ने कहा, पूर्व मंत्री का भाई ने लांघी मर्यादा की सीमा। योगी राज लोनी की पार्टी के विधायक अनीता राजपूत से रंगदारी की मांग, व्हाट्सएप मैसेज में 10 लाख रुपए मांगी गई रंगदारी, घर के सदस्य की हत्या की धमकी दी गई। बुलंदशहर की डिवाई सीट से बीजेपी विधायक अनीता राजपूत ने गाजियाबाद पुलिस से की शिकायत, SSP बोले जल्द होगा खुलासा। लखनऊ में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पर दबंगों ने किया पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल। यूपी के लखीमपुर खीरी में अपराधियों की मनमानी, खेत में चल रही थी अवैध असला फैक्ट्री। जामनगर में एक पुलिस पर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवा से मारपीट का लगा आरोप, पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल संजय अहिर को किया गिरफ्तार। अहमदाबाद में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप, बिल्डर ने पत्नी और दो बेटियों को मारी गोली। दिल्ली पुलिस की शर्मनाक करतूत, इंद्रपुरी इलाके में एक आरोपी को पकड़कर उसे निर्वस्त्र हालत में ले जाते हुए तस्वीरों में कैद। गुरदासपुर जेल में कैदियों का हंगामा, सर्च ऑपरेशन के दौरान बवाल, 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। नाराज कैदियों ने एक जेल के एक हिस्से में लगाई आग, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। धनबाद में नेशनल हाईवे 2 पर दो ट्रकों में जबरदस्त टक्कर, दोनों ड्राइवरों की मौत, दो की हालत नाजुक। राजस्थान के जोधपुर में गिरी 3 मंजिला बिल्डिंग, कई लोगों के दबे होने की आशंका। मौके पर पहुंची प्रशासन और दमकल विभाग की टीम, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मध्यप्रदेश के दमोह में मंडी में बड़ा इंतजाम, 1 किलोमीटर तक लगी कतार। रायसेन में भी किसानों ने किया प्रदर्शन, SMS से मिली डेट लेकिन नहीं हो पा रही थी खरीद। मई के मौसम का मिजाज गर्म, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 48 डिग्री पहुंचा पा रहा। दिल्ली NCR में कल 44 डिग्री तक पहुंच गया था तापमान, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन तक रहेगी ऐसी गर्मी। सवाई माधोपुर में पिछले 2 दिन से बढ़ गया गर्मी का कहर, दिन चढ़ते ही सड़कों पर सन्नाटा। आंधी पानी के बीच बिहार में भी चढ़ने लगा तापमान, पटना में लू वाली हवाओं से लोग परेशान। तपती गर्मी ने यूपी की राजधानी को किया बेहाल, लखनऊ में लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल। यूपी के बाराबंकी में गांव में लोगों ने किया अपने योगदान से बनाया कॉलेज, दौलतपुर महाविद्यालय बनकर तैयार। 27 जनवरी 2008 को कॉलेज का शिलान्यास के लिए परिवार के साथ आए थे बिग बी, ऐश्वर्या राय बच्चन, कन्या महाविद्यालय खोलने का था वादा। बेटी दिया बजाज के साथ अजीज बजाज ने की एवरेस्ट की चोटी फतह। भारतीय नौसेना की 6 महिलाओं की बड़ी कामयाबी, INSV तारणी से समुद्र में 8 महीनों की यात्रा पूरी की। तीन महासागर, 4 महाद्वीप और 5 देशों का पूरा किया सफर, कल रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने की थी अगवानी। ताजनगरी में बंदरों ने किया बवाल, ताजमहल का करने पहुंचे दीदार। टूरिस्टों को देखकर बिगड़ गया बंदरों का मूड, विदेशी पर्यटकों को पर मारा झपट्टा। बंदरों के हमले में फ्रांस के 2 टूरिस्ट जख्मी, ASI और CISF के अधिकारियों ने कराया इलाज। मध्यप्रदेश के खरगोन में तेंदुए का आतंक, 4 बकरियों को बनाया गया शिकार। वन विभाग की टीम पहुंची खरगोन, गांव वालों के मुताबिक झाड़ियों में छुपाए तेंदुआ। IPL का पहला क्वालिफायर मुकाबला आज, प्लेऑफ की टॉप 2 टीम में हैदराबाद और चेन्नई के बीच होगी जंग। हैदराबाद चेन्नई के बीच हुए मैच के विजेता को मिलेगा फाइनल का टिकट, हारने वाले को मिलेगा एक और क्वालिफायर का मौका। 23 मई को एलिमिनेट है मुकाबले में राजस्थान और कोलकाता की जंग, जीतने वाली टीम क्वालिफायर के दूसरे मुकाबले में जाएगी। 25 मई को कोलकाता में खेला जाएगा दूसरा क्वालिफायर मुकाबला, एलिमिनेटर के विजेता से होगा हैदराबाद या चेन्नई की टीम का मुकाबला। 27 मई को होगा IPL का फाइनल मुकाबला, वानखेड़े स्टेडियम में होगी खिताबी जंग। BCCI ने IPL के क्वालिफायर राउंड से पहले आज 2 महिला टीमों के बीच T20 मैच का किया फैसला,
एक टीम की हरमनप्रीत कौर और दूसरी की स्मृति मंधानी करेंगी कप्तानी। टेक्सास में हाई स्कूल में हुई गोलीबारी में मारे गए लोगों को दी गई क्रॉस से श्रद्धांजलि, मृतकों के नाम क्रॉस बनाकर घटनास्थल पर लगाया गया। हवाई में दहकते ज्वालामुखी से बड़ा खतरा, सड़कों पर पड़ी दरारें। हवाई द्वीप में ज्वालामुखी से लगातार विस्फोट जारी, 300 फीट तक की ऊंचाई से उबल रहा है लावा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की प्रमुख बनी जीना अस्पेल, किसी महिला के CIA प्रमुख बनने का यह पहला मौका। चीन के शेंजिन शहर में क्रेन से के हुक से टकराने की वजह से एक ड्राइवर की मौत, CCTV में कैद हुई तस्वीरें। क्रेन से पहले तो एक साइकिल सवार घायल हुआ, बाद में क्रेन का हुक एक ट्रक के केबिन से जा टकराया। भारी बारिश के बाद टर्की की राजधानी अंकारा में उमस तबाही। अंकारा में राहत और बचाव कार्य जारी, मझधार में फंसी बस से रेस्क्यू किए गए यात्री। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ फ्लैश शो देखने पहुंची, लंदन में लगा है चेल्सी फ्लैश शो। सोनम कपूर ने करीना कपूर से विवाद पर दी सफाई, कहा हम दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं। शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर सोशल मीडिया पर छाए, ईशान का वर्कआउट वीडियो वायरल। कंगना रनौत ने इन दिनों अपनी फिल्म मेंटल है क्या की शूटिंग में व्यस्त, फिल्म में कंगना के साथ है राजकुमार। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।